हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी और डेली हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सुबह ये वीडियोज आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर और शाम को पीआईबी के वीडियोज आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। सो आज का पेपर शनिवार था लेकिन आज भी आर्टिकल्स चार आ गए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट आ गए हैं। सो हम उनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं और इसके अलावा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो StudyIQ का है और StudyIQ की वेबसाइट है और फेसबुक का ग्रुप भी मैंने दिया है, लास्ट पेज के ऊपर मैंने उसका लिंक दिया है, वहां पर आपको मिल जाती है डेली। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद योर डे। और कोट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है लेकिन टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। चीज याद रखिए, जब आपका अच्छा टाइम होगा, जब आपका बहुत एक सेटिस्फैक्ट्री एक टाइम जब निकलता है, फेज निकलता है, तो उसका पता नहीं लगता कि वो कब चला गया, बहुत जल्दी निकल जाता है। ये एक फैक्ट है, सबसे बड़ा फैक्ट है लाइफ का ये। जब भी आपको अच्छा लगेगा, आप ये सोचते हो कि बस हमेशा खुशी खुशी रहे, तो लाइफ चुटकी में निकल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। हम सोचते हैं हम उसको बहुत एंजॉय करेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो फेज स्ट्रगल का आता है वो उसको उस टाइम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमें तैयार हमेशा रहना है स्ट्रगल के लिए और उसी में ही हमें अपना सेटिस्फैक्शन ढूंढना है। और वो सेटिस्फैक्शन जब आएगा, उसके बाद थोड़ा सा भी फेज अगर हमारी लाइफ में खुशी का आता है तो वो हम पूरी तरह से जी पाते हैं। तो ये टाइम आपका स्ट्रगल का ही चल रहा है, हर दिन आपके लिए मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि जब कंडीशन है आपके ऊपर कि ये टाइम आपको यूटिलाइज करना है तो ये टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी जाएगा। ओके, सो अभी इस तरह से तैयार रहिए और चलते रहिए आगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी है आज के लिए और इनको आप ट्राई करना। नेक्स्ट है जो आज के आर्टिकल्स हैं, नज्ड इनटू एक्शन, इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के हिसाब से और जो सारा लोकपाल का जो इशू है उसके ऊपर ये आर्टिकल अब काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और शेप ऑफ द स्लो डाउन, ये चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर एक कमेंट है कि चाइना जो है स्लो डाउन की तरफ जा रहा है थोड़ा सा और जितना एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर उसका नहीं चल रहा है, तो उसका इंपैक्ट है वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भी, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है सम कॉल इट डेमोक्रेसी, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है जो इशू, बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है और पहले से ही चल रहा है 2-3 सालों से, लेकिन अभी पॉलिटिकल ये जो ज्यादा है उसका मोटिव दिख रहा है। जो चार्जशीट फाइल की गई है, सेडिशन का केस लगाया गया है जो कन्हैया कुमार और उनके खिलाफ में, उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है जो कि थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल है, तो इसको हम देखेंगे। जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है और 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसए के अंदर भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं। नेक्स्ट है द डेंजर ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये भी बहुत ही क्रूशियल आर्टिकल है जिसके अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का एलिवेशन किया गया है और उसमें कलेजियम सिस्टम ने किस तरह से काम किया है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट कॉमेंट है। और रेसिप्रोसिटी का जो वर्ड है इसके ऊपर सारा आर्टिकल टिका हुआ है, तो इसको समझना में बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जीएस पेपर 2 के हिसाब से भी, 1 के हिसाब से भी और 4 के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये केस स्टडीज ऐसी आती हैं इसके ऊपर, रेसिप्रोसिटी के वर्ड के ऊपर, और ऐसे का भी टॉपिक ये बनाता है, इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नज्ड इनटू एक्शन ऑन द लोकपाल एक्ट, अब आपको पता है लोकपाल का इतना बड़ा जन आंदोलन चला था, अन्ना आंदोलन चला, उसके बाद में लोकपाल बिल आया, एक्ट बना, ये 1 जनवरी 2014 को इसको असेंट मिली थी और ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है इसके 4-5 साल बाद में कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इवन आपने अभी तक जो है सर्च कमेटी की रिकमेंडेशंस भी नहीं भेजी हैं, इसमें एक 8-member सर्च कमेटी जो है बनाई गई, उसके अंदर वो रिकमेंड करेंगे नाम जो होंगे जो इस लोकपाल के बॉडी के अंदर लोग होंगे। ठीक है, अब ये जो पुअर फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, इसके ऊपर ये सारा कमेंट है। मेन इश्यू क्या है कि गवर्नमेंट्स आती है हर बार बड़े बड़े प्रॉमिस करती हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे और आते हैं हम सारा करप्शन खत्म कर देंगे, हम सब ब्लैक मनी ले आएंगे, ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, जो प्रैक्टिकल जो रिसर्चेस के बाद इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं है और सिर्फ बातें हम ज्यादा करते हैं, तो ये एक इशू, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर थोड़े से तीखे कमेंट किए हैं। दिस शॉर्टलिस्ट हैज टू बी सेंट टू द सिलेक्शन कमेटी, ये जो शॉर्टलिस्ट होगी सिलेक्शन कमेटी के पास जाएगी और वो सिलेक्शन कमेटी का हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उसके अंदर और भी लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, आगे हम देखते हैं कौन कौन होंगे। अभी बात यह कि इसको 5 साल लग गए और लोकपाल एक्ट 2013 का था और 1 जनवरी 2014 से स्टार्ट हो गया था, इसको असेंट मिल गई थी और लास्ट ईयर सितंबर के अंदर एक एनजीओ है कॉमन कॉज जो प्रशांत भूषण का शायद उनका है, तो उन्होंने फाइल किया था कि ये कंटेम्प्ट है पूरा पूरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया था और ये सारा एक्ट का सारा बनना था, इसको 5 साल हो गए
सारा टाइम निकल गया और कोई इस पे काम नहीं हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अप्रैल 17 में आया था, इसके लिए उसको डिले किया जा रहा है, उसको फॉर्म नहीं किया जा रहा है। तो सर्च कमेटी जो है इसको बनाना आसान नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का जो ये आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड से लोग लेके आने पड़ते हैं, एंटी करप्शन पॉलिसी बनानी पड़ती है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, इन सब के एरिया से तो लोग आते हैं, उन सबके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिले होता है, ये ऑब्वियस ही बात है, लेकिन ये इतना डिले नहीं होता है कि इसमें 4-5 साल लग जाएं। और दूसरा जो इसमें नेसेसिटीज़ हैं, कुछ कंडीशंस हैं, एक तो वीमेन होनी चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस से ग्रुप से लोग इसमें होने चाहिए, लोकपाल की बॉडी में माइनॉरिटी से होने चाहिए, एससी और एसटी कैंडिडेट से भी होने चाहिए। तो हाफ जो इसका स्ट्रेंथ होगा वो इन लोगों से क्रिएट होगा और बाकी लोग नॉर्मल जनरल कैटेगरी से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी वही इशू है, इसका रीज़न ये है कि इन लोगों का अगर इसमें नहीं होगा पार्टिसिपेशन तो यही लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्रबल्स खड़े होते हैं सोसाइटी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। तो इनके सेफगार्ड के लिए ये लोग खुद इसमें होने चाहिए, तो ये बात बिल्कुल जायज है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन वाला फैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू एक्सपेडाइट दिस, नॉट साइट इट एज अ रीजन फॉर डिले। तो ये कह रहे हैं राइटर कि ये जो आप रीजन दे रहे हो कि इसको बनाने में टाइम लगता है, सर्च कमेटी बनाना आसान नहीं होता है, इन सब के अंदर जो इशू है वो कोई बड़ा रीजन नहीं है, इतना बड़ा रीजन नहीं कि आप इसको इतना डिले कर दो। इसका मतलब आपके विल में ही दिक्कत है, आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है। और बहुत सारे काम ऐसे देखे जा रहे हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल विल होती है तो सेकंडों में काम हो जाता है। जैसे अभी रिजर्वेशन बिल की जो बात आई 10% कोटा वाला, उसमें कितना जल्दी जल्दी काम हो गया, राज्यसभा को भी एक्सटेंड कर दिया, सब कुछ हो गया, कमिटीज वगैरह को भी नहीं भेजा गया, इतना फास्ट सब कुछ हो गया। जब उनको करना था पॉलिटिकल गेन्स के लिए तो वो एक सेकंड में हो गया, लेकिन ये काम जहां पर वो खुद दिक्कत में पड़ सकते हैं वो काम गवर्नमेंट नहीं करती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। सर्च कमेटी जो है वो हैंडीकैप्ड इसलिए भी है क्योंकि लैक ऑफ ऑफिस स्पेस, इसको ऑफिस नहीं दिया गया अभी तक, न इसमें कोई मैन पावर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई सेक्रेटरीट है उसका, तो वो काम करे कैसे। दूसरा जो कोर्ट है उसने बोला है गवर्नमेंट को कि रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कराना था लेकिन वो नहीं कराया। अभी पास्ट में क्या हुआ है कि और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो जरूरी हैं डेमोक्रेसी की वर्किंग के लिए, जो एकदम बेसिक हैं, जो बहुत वाइटल हैं, उनके अंदर भी मतलब उनको क्रिएट करने के लिए या फिर उनकी वर्किंग को स्मूथ करने के लिए, उसका कोई स्टेप उठाने के लिए, आगे स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में गवर्नमेंट ने ये किया है कि काम किया नहीं। जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो था उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया था, तो अपॉइंटमेंट वगैरह की अगर बात की जाए तो बहुत डिले करते हैं, ये गवर्नमेंट के ऊपर कटाक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ ये बोला है कि जो गवर्नमेंट का एक आर्ग्यूमेंट ये आया था कि हम वेट कर रहे थे, किसका वेट कर रहे थे कि जो अमेंडमेंट आएगा एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो देगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास था, वो रिपोर्ट देगी, अमेंडमेंट उसमें आएगा, उसके बाद जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये रीजन गवर्नमेंट ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा, और कोई केस में तो आपको ये पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ये सब नहीं चाहिए होती है। अभी जो रिजर्वेशन वाला केस आया था उसके अंदर जैसे उन्होंने कमेटी को नहीं भेजा, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी आए थे हिंदू के अंदर, तो अपनी जरूरत के हिसाब से चीज होती है, वहां पर उनको कमेटी को नहीं भेजा गया और उसको सीधा बाईपास किया गया। और इसमें जो है ये कंडीशन लगाई जा रही है कि इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं आ पाई। अब वो उसके अंदर भी एक और लॉजिक है कि वो उस कमेटी का क्या इशू था, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके अंदर लोकसभा स्पीकर होगा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और एक एमिनेंट जूरिस्ट होगा, ये 4 लोग इसमें होंगे मेनली सिलेक्शन कमेटी के अंदर, अलावा किसके, जो चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर के, वो चेयरमैन है इसके। अब ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, जो कांग्रेस के हैं, उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं माना। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानेगा कौन, वो मानता है स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, और ये हमने देखा था कल परसों कि स्पीकर यहाँ रूलिंग पार्टी से होता है, ठीक है, तो रूलिंग पार्टी से स्पीकर होता है। अब स्पीकर ही उसको ये नोटिफाई करेगा कि इस आदमी को हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन मानेंगे, और फिर जब वो मान जाएंगे उसके बाद उसको सिलेक्शन कमेटी में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये इशू इसमें सबसे बड़ा है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये बोला कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे बनाए सिलेक्शन कमेटी, वो तो स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया। लेकिन जैसे और दूसरे केस हुए, जैसे कि अभी आलोक वर्मा घोटाने वाला केस था सीबीआई वाला, उसके अंदर उन्होंने खुद से अमेंडमेंट प्रपोज कर दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नीड ही नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा काम जो है वो डिले हो रहा है, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जरूरी होना, ये जो कंडीशन है कमिटी के अंदर, वो हटा दी जाए ताकि हम हमारा काम जल्दी से कर पाए। तो ये काम उन्होंने उस टाइम पे किया। तो अब कोर्ट ने कहा कि वहां पर तो आपको ये दिक्कत नहीं आई कि आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो आप रुक जाओ, आपने उस टाइम तो उसको पूरा एक्सपेडाइट किया और उसमें ये कंडीशन ही हटा दी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना जरूरी नहीं हो, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, और वो डिक्लेयर कौन करेगा, वो स्पीकर ही करेगा।
और ये उसमें इशू है, मैंने आपको बताया कि रूलिंग पार्टी से स्पीकर होता है, तो ये भी एक एलिगेशन होता है कि इस एलिगेशन का फैक्ट ही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, सॉरी जो ब्रिटिश एक्सपर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी ये बोलते हैं कि ये एक बिजार प्रोविजन है इंडिया के अंदर कि स्पीकर उसी पार्टी से होता है, तो ये पार्टीशन इसमें होगा, मतलब बायस उसमें रहेगा ही रूलिंग पार्टी के लिए, वो न्यूट्रल रह ही नहीं सकता है क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में उसकी पार्टी अलग होगी और जो ऑपोजिशन पार्टी होगी वो अलग होगी, वो अलग अलग अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट लोग कभी भी न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, ये उसका लॉजिक था, तो वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इसमें इशू था। नेक्स्ट है एक माइनर इशू जो है, ये कह रहे हैं कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला जो इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उस टाइम पर आपके लिए माइनर इशू था, जब दूसरे केसेस आईसीबीआई डायरेक्टर का आया, चाहे सीबीसी को अपॉइंट करने का आया, उस टाइम पर ये आपके लिए माइनर इश्यूज थे और आपने इसको सॉल्व कर लिया बहुत जल्दी जल्दी, और अब यहाँ पर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो गई, तो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है पूरा पूरा, और लोकपाल को आपने नहीं किक ऑफ किया, स्टार्ट किया है और इतने सालों का डिले कर दिया, इसमें साफ दिख रहा है कि आपकी मंशा क्या है। नेक्स्ट है शेप ऑफ द स्लो डाउन ऑन चाइनाज इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी बहुत बूस्ट पे रही है, इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की उसकी कैपेसिटी बढ़ी पूरे वर्ल्ड के अंदर और पूरी दुनिया में, उसने इतना अपना चीप एक्सपोर्ट कर करके डंपिंग की सारे, चाहे स्टील हो चाहे और प्रोडक्ट्स हो, आज हम जो यूज़ करते हैं सारे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं, और अधिकतर जिसकी बात करें, चाहे मोबाइल की बात करें, चाहे सॉफ्टवेयर्स की बात करें, हर इशू के अंदर ये चीज़ सामने आ जाती है। तो चाइना ने बहुत प्रोग्रेस की है और इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसके डेवलप होने के कारण ही उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके पास इतना एक्सेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको अब मार्केट चाहिए कि वो इसको बेचे सामान को, इसलिए पूरी दुनिया में उसने सबसे फास्ट तरीके से कैसे बेच पाए, इसलिए उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चालू किया, चाहे सी का रास्ता हो, चाहे वो लैंड का रास्ता हो, चाहे वो रेलवेज का रास्ता हो, हर तरीके से उसने ये सारा सिस्टम बिठाया है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब उसमें इशू क्या है, अब ये है कि पहले चीप क्रेडिट का एक इशू आया था, चीप क्रेडिट उसने अवेलेबल करवाया था अपने सारे डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, इन सबको, और उससे इकोनॉमी को इनको काफ़ी बूस्ट मिला था, लेकिन अभी उसी ट्रैप में ही चाइना की इकोनॉमी फंस गई है, और यूएस से जो उसका ट्रेड वॉर भी चल रहा है, ऑल दो यूएस के साथ में उसका जो जो ट्रेड है वो सरप्लस में है, इतना ज़्यादा मतलब $323 बिलियन तक पहुँच गया यूएस के साथ में, लेकिन ट्रेड वॉर भी उसी देश के साथ में चल रही है। अब इसमें इशू ये है कि अब एक्सपोर्ट जो इसके हैं, जो मेन इसका एजेंडा था चाइना का, सारा जो बूस्टिंग फैक्टर था इकोनॉमी का, वो एक्सपोर्ट 4.4% से गिर गए हैं, ठीक है, और ये ट्रेड टेंशन्स भी चल रहे हैं, ये दोनों चीज हो रही हैं। नेक्स्ट है कार सेल्स, पहली बार 1990 के बाद से पहली बार कार सेल्स ड्रॉप हुई है 2018 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ टारगेट जो है वो भी इन्होंने रिवाइज किया है, 6.5% से 6% के ऊपर आ गए हैं, पहले ये डिसाइड किया था, अभी 6% डिसाइड कर लिया है कि वो रिवाइज कर दिया, और मार्केट्स जो हैं पूरी दुनिया के वो वरीड हैं कि फेट ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी क्या होने वाला है। आपको पता है कि डिवैल्यूएशन वगैरह किया था इसने जानबूझ के, उसमें क्या किया था कि अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी थी, उससे एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, जब उनको पेमेंट मिलता है तो ज़्यादा फिर उनको पैसे मिलते हैं, तो ये उसके लिए फायदे वाली चीज़ थी, तो इस तरह के स्टेप्स उसने काफ़ी उठाए थे और चीप क्रेडिट अब उसने अवेलेबल करवाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसने उस टाइम पर बूस्ट किया था इकोनॉमी को, लेकिन अभी वो दिक्कत आ रही है सामने, और अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इस चीप क्रेडिट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको हटाया जाए, इकोनॉमी से उसको दूर किया जाए, और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स देखे गए हैं चाइना के कुछ रीसेंट पीरियड के अंदर, जो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, पूरा वर्ल्ड जो है कनेक्टेड रहता है स्टॉक मार्केट वगैरह इन सब के चीज़ों से, क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, तो ये है। एप्पल, जैगुआर और लैंड रोवर जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने भी ये बोला कि हमारी सेल्स कम हो गई है वहाँ पर चाइना के अंदर, ये देखा गया था, एप्पल ने बहुत बड़ा एक वो आर्टिकल भी आया था कि बिजनेस न्यूज़ के अंदर कि एप्पल की सेल्स जो है वो कम हो गई है चाइना के अंदर, जिस पर बहुत डिपेंडेंसी थी। नेक्स्ट है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने अभी $83 बिलियन कैश इंजेक्ट किया है, कैसे किया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कल परसों न्यूज़ में आया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का हम रास्ता देख रहे हैं, उसमें क्या था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो या तो सेल करती है या बाय करती है, ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो उसके अंदर सिक्योरिटीज़ को बेचा खरीदा जाता है, उसके थ्रू कैश इंजेक्ट किया जाता है मार्केट के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट तरीका है।
और इसमें बैंकों की लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए ये किया है चाइना ने मेनली, ठीक है। अभी बहुत तरीके से इसको समझा जा सकता है कि ये इसके लिए किया गया है या उसके लिए किया गया है, इकोनॉमी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो जब हम इसका कोई आर्टिकल आएगा तो हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी इसको मैं समझाने बैठूंगा तो टाइम सारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना अभी समझ लीजिए कि बैंकों को लेंडिंग को बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। अभी नेक्स्ट है, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इसको दे रही है, ये इंजेक्ट कर रही है, सो जो उनकी सेंट्रल बैंक के थ्रू करवा रहा है, ठीक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है, तो इसलिए वो रेगुलेटर होता है बैंक्स का, तो वो बैंकों में पैसा इंजेक्ट करेगा इस तरीके से, तो पैसा अपने पास खींचेंगे मार्केट से फिर बैंकों को देंगे, इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट है जो ट्रांजिशन जो है इसकी, अर्लियर ग्रोथ मॉडल जो इसका क्या था, चीप एक्सपोर्ट्स का था, क्योंकि चीप मैन्युफैक्चरिंग थी, चीप क्रेडिट अवेलेबल होने के कारण मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में चीप एक्सपोर्ट्स किए, क्योंकि जैसे स्टील की बात है, इंडिया के स्टील्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहे थे इंडिया के अंदर वो महंगे पड़ रहे थे, और चाइना से जो स्टील आ रहा था वो काफ़ी सस्ता आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन सस्ता था, लेबर सस्ता, वहाँ की पॉलिसीज में सपोर्ट है सारा और चीप क्रेडिट अवेलेबल, तो उनका स्टील बहुत सस्ता प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमारे तक पहुँच रहा था, तो हम सारा वही खरीद रहे थे, डंपिंग चाइना कर रहा था, इसलिए हमें उसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ी उसके ऊपर, और इंडिया की इंडस्ट्रीज को बचाना पड़ा, तो ये सब कुछ चला इसका, और इसी ने इसकी ग्रोथ को लेट किया था। लेकिन अभी यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ गया है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, एक्सपोर्ट से जो पहले बूस्ट आ रहा था उसकी बजाय अब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया है चाइना के अंदर, मिडिल क्लास का राइज हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो अभी ये भी चीज़ें चेंज हो रही है वहाँ के लिए, तो इसलिए चीप डेट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा रहा है, ये चाइना की पॉलिसी अभी चल रही है, तो काफ़ी ट्रबल चल रहे हैं। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसके बाद में सारा स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड के अंदर आया, उसका इम्पैक्ट अभी तक चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ तो बहुत सारी मतलब बहुत पैरल में आ चुकी हैं, और अभी चाइना ने क्या कर रहा है कि उसने अपने जो क्रेडिट टैप्स हैं सारे वो सारे ओपन कर दिए हैं दोबारा से, क्योंकि अभी वो दिक्कत में आ गया है, वो चीप क्रेडिट से भी हटना चाह रहा है लेकिन जो बैंकों की लेंडिंग कैपेसिटी वो भी कम हो गई है, इसलिए उसने क्रेडिट के सारे रास्ते ओपन कर दिए ताकि ये दोबारा से जो ग्रोथ मॉडल चेंज हो रहा है इस सिचुएशन को भी मैनेज किया जा सके और दोबारा से उस ग्रोथ के पाथ पर चढ़ा जा सके। रियल एस्टेट जो है वो पहले चीप क्रेडिट जब अवेलेबल था उस टाइम पर उसने काफ़ी ग्रोथ की, सबसे ज़्यादा ग्रोथ चीप क्रेडिट से रियल एस्टेट का सेक्टर ही करता है, तो उसने की थी लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। दूसरा जो है अब सोल्यूशन क्या है चाइना के पास में, सोल्यूशन ये है कि अन इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट हैं जो कि एक्सपोर्ट बेस्ड थे, चीप क्रेडिट बेस्ड थे, उनका लिक्विडेशन करना पड़ेगा, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा, उसको लिक्विडेट करके उसको बेच पास के उसके पैसे कहीं और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये होता है लिक्विडेशन। जैसे कंपनीज का होता है हमारे इंडिया में देखा जाता है, जैसे एनपीओस का एरिया जो होता है उसके अंदर एनपीएस हो रहे हैं, कंपनी वापस लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो कंपनियों का लिक्विडेशन करो, उनको बेचो, उनके पैसे लो और फिर उनको कहीं और इन्वेस्ट करो, वरना तो वो अटक के रहेंगे सारे, तो वो करना पड़ेगा। और लेकिन ये भी एक क्लियर नहीं है कि चाइना इसको सही में अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, अभी इस शॉक को वो झेल पा रहा है, कितना झेल पा रहा है, और चीप क्रेडिट को जो है वो कम करेगा कि नहीं करेगा ये भी सर्टेनिटी नहीं है, इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर भी सर्टेनिटी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है आज चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर्ड है, और यूएसए और चाइना की जो आपस में जो इक्वेशन है उसके ऊपर तो सारा ही ट्रेड टिका हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा इनका शेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आर्टिकल खत्म। अगला है द डेंजर ऑफ रेसिप्रोसिटी ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रेसिप्रोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। अब इसमें क्या है, रेसिप्रोसिटी होती है जैसे मैं आपको कुछ दूं आप बदले में मुझे उसके बदले कुछ दोगे, ये रेसिप्रोकल मूव है। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कोर्ट्स के जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रेसिप्रोसिटी का वर्ड अगर आता है तो वो एक बड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि जुडिशरी तो सेपरेट होनी चाहिए, आइसोलेटेड होनी चाहिए, वो तो एक हाईएस्ट अपील है किसी के लिए, जो सबसे वीकर सेक्शन है, जो सबसे कमजोरी में मजबूरी में है, वो लास्ट में कहा जाएंगे, सबसे बड़ी होप सुप्रीम कोर्ट ही होती है। अगर वहां पर रेसिप्रोसिटी चलेगी तो वहां पर रेसिप्रोसिटी पहली बात तो कर कौन सकता है, वहां पर तो कोई पावरफुल हो सकता है वही करेगा, रेसिप्रोकल मूव तो वही लेके आएगा कि हम आपको ये दे रहे हैं आप हमें ये दो। अब दे क्या सकते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस होते हैं, उनका वहां तक पहुंचना सबसे बड़ी नीड होती है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं केसेस को और बहुत बड़े बड़े डिसीजन देते हैं, पूरी डेमोक्रेसी को बचाने वाले मूव्स भी होते हैं और कुछ खतरे में डालने वाले मूव्स भी देखे गए हैं, तो अधिकतर केस में वो बचाने वाले मूव्स ही हैं, तो वहां तक पहुंचना बड़ी बात है। अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए, ये हो सकता है किसी के लिए गेन सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के लिए, वो करेगा कौन, वो पावर किसके पास है, वो कोलेजियम सिस्टम है, फिर गवर्नमेंट है और फिर अपॉइंट होते हैं, इस तरह से है। अब इसके अंदर इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी और फियरलेसनेस, ये ही सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो कि डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें नीडेड हैं। अल्टीमेट जुडिशियल जो लेजिटिमेसी जो है और जो पावर है
वो किस चीज पे टिकी हुई है, पीपल्स कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस अगर है तो ही सुप्रीम कोर्ट मजबूत है, और लोग भी तभी मजबूत है जब सुप्रीम कोर्ट मजबूत है। तो ये म्यूचुअल है सीधा सुप्रीम कोर्ट और लोगों के बीच में। अगर इसमें कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है तो फिर ये क्वेश्चन गड़बड़ाती है, क्योंकि दिक्कत क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ में एक चीज श्योर है जो हमेशा देखी गई है हर गवर्नमेंट के साथ में, कि वो राइट्स देना नहीं चाहते हैं, पावर अपने पास रखना चाहते हैं, और जुडिशियरी के अंदर जजेस को चाहते हैं कि वो प्लेएबल हो। प्लेएबल मतलब कि वो हमारे हिसाब से काम करें, वो इंडिपेंडेंट काम ना करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा काम करें। ये हर गवर्नमेंट चाहती है, ये पास्ट में देखा गया, हर देश में देखा गया है, ठीक है, इवन अमेरिका तक में ये चीज देखी गई है। तो ये है, अब इसमें ये है कि कॉलेजियम का जो ये डिसीजन आया था, जो अभी कल हमने जो डिस्कस किया था डिटेल के अंदर, कि तो जो दो जजेस जो हैं और उनको एलिवेट किया गया, और पहले डिसाइड हो चुका था 12 दिसंबर को, उसके बाद में उसको चेंज करके नए का नाम दिया गया। हालांकि उनके अंदर मेरिट के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो वर्किंग है, जो एक कोवर्ट तरीके से, छुपे हुए तरीके से और सीक्रेट तरीके से जो एक वर्किंग जो उसकी है, वो दिक्कत वाली है। और वो पहले से एलिगेशन के अंदर है कि कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, और एनजेएसी जो था उसको नल एंड वॉइड इसलिए किया गया था, जो एक्ट आया था जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, कमीशन आया था, उसके अंदर ये किया गया था कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, तो पार्शियलिटी नहीं, मतलब इम्पार्शियलिटी नहीं रह पाएगी, और जो ऑटोनॉमी जो है जुडिशियरी की, वो खतरे में पड़ेगी। तो ये सोच के किया गया था, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को इससे बेटर बताया गया था, इसलिए उसको रखा गया। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं कि उसकी वर्किंग सही नहीं है, उसमें रिफॉर्म्स भी नीडेड हैं, ये सब लोग मान रहे हैं। तो ऑलरेडी एलिगेशन चल रहे हैं, उसके बाद अभी ये और इस तरह के डिसीजन जब आ रहे हैं, तो ये और खतरे में पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली खतरे में पड़ता है, अल्टीमेटली लोगों का जो कॉन्फिडेंस जो है वो खतरे में पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो मैनर जिस तरीके से काम हो रहे हैं, जो डिसीजन आ रहे हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउट खड़े कर रहे हैं इस तरह की वर्किंग, ये राइटर कह रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो सबसे ही बड़ा एक मतलब एक कैरेक्टर है, एक फीचर है सुप्रीम कोर्ट का, जो क्या करता है, कोई भी अगर डिसीजन आता है जैसे एनजेसी का आया, तो उसके अंदर वो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के बेसिक फीचर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये कहीं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, तो ये बेसिक फीचर के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको नल अवॉइड करना है अगर वो जा रहा है तो, अगर वो कोई ऐसा खतरा खड़ा कर रहा है कि जो कि आगे डेमोक्रेसी के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो वो अगर कोई ऐसा डिसीजन है, ऐसा कोई मूव है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट उसको तय करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट प्रोटेक्टर है, गारंटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये काम है। अब ऐसा जब कोई काम संभालता है कोई अगर इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर क्रेडिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो आप सोचिए इससे बड़ी हॉरिबल कंडीशन कुछ नहीं हो सकती है। चाहे कितनी भी बात हम करें, कोई भी केस करें, कोई भी वीकर सेक्शन की बात करें, चाहे रिजर्वेशन की बात करें, चाहे कास्ट की बात करें, धर्म की बात करें, हर चीज से बड़ा खतरनाक एक स्टेज वो है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो फिर क्रेडिबिलिटी रहेगी कहां? फिर तो एक केओस हो जाएगा, एकदम बिल्कुल तबाही भी मच सकती है अगर ऐसा हो गया तो, कि सुप्रीम कोर्ट की अगर वर्किंग खतरे में पड़ गई, फिर तो कोई बचता ही नहीं रास्ता, फिर कौन डिसाइड करेगा, फिर तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगा। अब इसमें यह है कि हम कुछ केसेस का रेफरेंस लेते हैं, के एम जोसेफ का जो केस आया था उसके अंदर यह था कि जब कल भी मैंने जो डिस्कस किया था, के एम जोसेफ वही चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के, जहां पर उन्होंने प्रेजिडेंट रूल लगा दिया था बीजेपी ने, और वहां पर उसको नल एंड वॉइड क्रिएट बताया था जोसेफ ने, क्योंकि वो सही नहीं था लगाना इस तरह से, वो एक गलत तरीके से गलत पॉलिटिकल मूव था, और प्रेजिडेंट्स को का रूल लगवाना वहां पर एक बहुत ही गलत डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक एक मूव था, इसलिए उसको कैंसिल किया था के एम जोसेफ ने। उसके बाद उनका रिकमेंडेशन जो था वो डिले कर दिया गया, दोबारा उसको भेज दिया कॉलेजियम सिस्टम को, उससे पहले उनका नाम आ चुका था गवर्नमेंट के पास में, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका नाम दोबारा भेज दिया, क्योंकि उन्होंने उनके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, वो चाहती नहीं थी गवर्नमेंट इस तरह से, वो प्रेजिडेंट्स रूल ही वहां पे चाहते थे। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने उसको भेजा, डिले किया, लेकिन अब जो केस हुआ जस्टिस अभी जो खन्ना वाला और मिस्टर जो कर्नाटका से आए थे अभी माहेश्वरी, उनके केस में एक मतलब एक ही इंस्टेंस में कोई दोबारा भेजा नहीं गया, दोबारा से उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा गया, सीधा उसको पास कर दिया गया, तो उसमें कितनी हरी दिखाई गई, लेकिन उस केस में ये किया, तो यह क्लियर इंडिकेशन है कि यहां पर रेसिप्रोसिटी का इशू है, कि मतलब उन्होंने रेसिप्रोसिटी मेंटेन एक मतलब जो डिमांड होती है गवर्नमेंट की, क्या डिमांड होती है रेसिप्रोसिटी की, हम कुछ आपके फेवर में करेंगे, आप हमारे फेवर में कुछ करो, तो वो उनके अगेंस्ट चला गया सारा मामला के एम जोसेफ के इशू के अंदर, ठीक है, तो वो वहां पर दिक्कत में पड़ गया और उसको डिले किया उन्होंने इंटेंशनली, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखाता है कि ये पॉलिटिकल था। नेक्स्ट है जस्टिस ए एन रे का केस लें,
जो 1973 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम पर उनको जो अपॉइंट किया गया था, कुछ सीनियर जजेस थे उनसे, उसको सुपरसीड करके उनको सीजेआई बनाया गया था। ऐसे ही एम एच बेग को बनाया गया था जो 77 में बने थे सीजेआई, ठीक है। एच आर खन्ना को उसमें सुपरसीड किया गया था, एच आर खन्ना उनसे सीनियर थे लेकिन उनको एम एच बेग को बनाया दिया गया था। अब दोनों ही जो है रे और बेग, उन दोनों के केस में क्या हुआ था, दोनों जजेस अच्छे थे, एक्सेलेंट जजेस थे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को फेवर किया ओपनली। उसके अंदर एक तो बैंक नेशनलाइजेशन केस जो हुआ 1970 के अंदर, उसके अंदर रे ने गवर्नमेंट के फेवर में एक्शन लिया, उन्होंने गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन दिया था और वो सारा हुआ। फिर 1969 में सबसे बड़ा मूव चला था बैंकों को नेशनलाइज करने का, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स थे लेकिन ये हुआ। ऐसे ही जस्टिस बेग ने, उन्होंने डिसीजन दिया जब इंदिरा गांधी का इलेक्शन का केस आया, उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी जो है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते हैं, और कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में डिसीजन दिया, तो उन दोनों को ही सीजेआई बनाया गया था। तो ये है क्लियर केस रेसिप्रोसिटी का, कि मतलब हम आपको अपॉइंट करवा रहे हैं, हम आपको सीजेआई बनवा रहे हैं या फिर ऊपर लेवल तक पहुंचा रहे हैं, तो आप हमारे फेवर में कुछ करो। इससे डेंजरस चीज नहीं कहीं पर हो सकती है लेकिन ये देखी जाती है, ठीक है। बात की है एनजीएसी की, उसके अंदर यही केस हुआ था कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा था ऑटोनॉमी और जो सेपरेशन है और जो वर्किंग है सीजेआई का, इसलिए उसको नल एंड वॉइड किया गया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूएस के अंदर एक केस देखा जाए, तो यूएस में क्या होता है कि वहां पर प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनेट करता है, वो नाम भेजता है सीनेट्स को और वो फिर उसको पास करते हैं और फिर वो किसी जज को वहां का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ठीक है। ये वहां के फेडरल कोर्ट का रूल है। अब ये जो है डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट हर जगह है और उससे बचा नहीं जा सकता है, ये एक बात बताई है जॉर्ज ऑरवेल ने। उन्होंने 1984 में पॉइंट आउट किया था कि गवर्नमेंट हर जगह है और जज जो है वो भी नॉर्मल इंसान ही है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं, ठीक है। और ऐसा अमेरिका में भी देखा जा रहा है और बाकी देशों में भी देखा जाता है, जहां जहां पर ये जो अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल बॉडीज के थ्रू या फिर कहीं से रिकमेंडेशन उनके थ्रू आता है तो ये चीज देखी जाती है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनको लॉर्ड्स बोला जाता है, माई लॉर्ड बोला जाता है हमेशा, तो वो लॉर्ड बोला इसलिए जाता है ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव ना करें, वो लॉर्ड्स की तरह बिहेव करें, कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पॉलिटिक्स से या फिर कोई प्रेशर से, और उनको ब्रेव तरीके से डिसाइड करना है, जैसा कि बहुत सारे जजेस करते भी हैं, वो फियर में नहीं आते हैं, प्रेशर में नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखा जाता है कि वो कंप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इंडियन जजेस आर नॉट सपोज टू हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये एक बात क्यों बोली गई है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है सेपरेशन है, अमेरिका से ज्यादा सेपरेशन है वहां पर इंडिया में, हालांकि बात सेपरेशन का जो इश्यू है वो वहीं से आता है अमेरिका से, लेकिन इंडिया के अंदर जो अपॉइंटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, वो सारा जुडिशरी के ही बॉडी, एक उनका ही एक तरह से एक्सक्लूसिव राइट है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है जजेस का जो अपॉइंटमेंट वगैरह होता है उसके अंदर, तो ये एक बेटर चीज है इंडिया में और इसने सेव भी करके अभी तक रखा है, अदरवाइज तो बहुत इशू हो जाते खड़े और सारे डिसीजन ही जो है वो इस तरह के आते कि पॉलिटिकल वो इन्फ्लुएंस्ड होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है कि प्रेशर रहता है। अब नेक्स्ट है कि ये जो जुडिशरी मजबूत कब रह पाती है, जब पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट्स वगैरह जो है वो अगर कमजोर रहती हैं, वो डाउन रहती हैं, तो जुडिशरी असर्ट करती है और वो ऊपर मजबूत कंडीशन में रहती है। ये जो कोलेजियम सिस्टम जो है वो भी 90s के अंदर ही आया था, जिस टाइम पर हमारे बहुत इंस्टेबिलिटी चलती थी, गवर्नमेंट इतनी मजबूत नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। काफी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चला था 90s के पूरे दौर के अंदर, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में सारा ही फेज ऐसा चला था कि गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर ही ये जुडिशरी ने असर्ट किया था और कोलेजियम सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। अब पावर और इन्फ्लुएंस का इशू है, उसमें दोनों केस बताए हैं, इंदिरा गांधी के केस में भी ये था कि शी वॉज इन्फ्लुएंशियल बिकॉज शी वॉज पावरफुल, ऐसा ही मोदी जी के केस में है कि ही इज नॉट ओनली पावरफुल बट ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल, और इन्फ्लुएंस का तो इशू इतना बड़ा है कि इंदिरा गांधी उन सब के टाइम में तो ये इन्फ्लुएंस फैलने के जरिए सोशल मीडिया ये सब इतने कुछ नहीं थे, आज मीडियम्स बहुत सारे हैं, अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो उसको बहुत जल्दी और फास्ट रिकॉग्निशन मिलता है और उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब ऐसे में जो है ह्यूमन सोसाइटीज के अंदर इंडिविजुअल्स आर ऑब्लिगेटेड टू रेसिप्रोकेट फेवर रिसीव्ड, नॉर्मली यही देखा जाता है, ये गोल्डनर ने जो बोला है, जो रेसिप्रोसिटी का जो नॉर्म उन्होंने बताया है कि मतलब
ह्यूमन बींग्स जो है वो इस तरह से काम करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंशियल होता है, कोई पावरफुल होता है, तो वो रेसिप्रोसिटी को मेंटेन करते हैं, वो कुछ देता है वो भी उसके बदले में कुछ देते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटीज का एक नेचर है, ये देखा जाता है। लेकिन जुडिशियरी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा होगा तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा नॉर्मल लोगों में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर, ठीक है। अब ये जो रेसिप्रोसिटी का जो इशू था, यही इसको कैंसिल किया गया था एनजेसी के केस के अंदर, जब जस्टिस जीएस केहर ने इसको ये बोला था कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, एनजेसी के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा और हम कहीं पर भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे जुडिशियरी को, क्योंकि फिर वही चीज आएगी, वो हमेशा उस प्रेशर में रखेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप हमारे लिए कुछ करो, तो इसको दूर रखा गया था उस केस के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, कुछ तरह की जो वर्किंग जो चल रही है, जो मैनर जिस तरीके से काम हो रहा है, कुछ डिसीजन ऐसे आ रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, और ये ए फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट इंपैक्ट्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, क्लियरली ये होता है। इवन अंबेडकर ने भी ये बोला था कि जुडिशियरी को पूरी तरह से इंसुलेट किया जाए, अलग रखा जाए पॉलिटिकल प्रेशर से, अदरवाइज ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होगी, ठीक है। लेकिन ये देखा नहीं जाता, ये बहुत मुश्किल है। अब एक जो थे बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस थे एम सी चागला, जो बाद में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भी रहे थे, उन्होंने भी ये बोला था कि ये जो इफेक्ट होता है सुपर सेशन का, वो बहुत डिलीटीरियस, मतलब बहुत ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आता है जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं और जो आगे चीफ जस्टिस के लाइन में होते हैं, कि मतलब आगे वो बन सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं सारे सीनियर हैं, उसके अंदर से ही चुने जाएंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, तो ये जो एक वो रहता है ना कि एक जब लाइन में लगे रहते हैं लोग कि इसको बनाया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है, तो फिर सब लोग किस तरह से काम करते हैं कि उनमें से जिनको एस्पिरेशन ज्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से वो कर लेते हैं, रेसिप्रोसिटी का फैक्टर बैठा लेते हैं कि कल को गवर्नमेंट हमें बना दे, मुझे बना दे सीजीआई, तो कहीं ना कहीं हम उससे सेटिंग कर लें। तो इस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये उस टाइम पर चागला ने बोला था। तो बोला कि ये बिल्कुल ही गलत चीज है, जहां पर ये मतलब आगे एस्पिरेशन होती है, लाइन लगती है कि सीजीआई में से ही कोई ना कोई बनना है, तो फिर बहुत सेटिंग्स बैठ जाती हैं पॉलिटिकल उसके साथ में, लॉबी के साथ में, क्योंकि फिर रिकमेंडेशन का इन सब का जो केस चलता है और फिर एलिवेशन का जो इशू होता है सीजीआई बनाने का, तो फिर बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर फिर शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि मेरिट के बजाय जो एक रिकमेंडेशन वाला जो इशू है वो बड़ा बन जाता है उस टाइम पर। अब एचआर खन्ना जो थे, जिनको 77 के अंदर एमसी बेक को बनाया गया था और इनको सुपरसीड किया गया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी नीदर रोज नोर थॉन्स, उन्होंने भी यही बोला था कि जो अप्रोच जो है कोर्ट की वो अभी चेंज हो रही है, उसके अंदर ये देखा जा रहा है कि टिल्ट आ रहा है किधर, झुकाव किधर आ रहा है कि फेवर ऑफ द अपहोल्डिंग द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो फेवर है वो किया जा रहा है कहीं ना कहीं, ये उन्होंने 77 में ही बता दिया था, जो केस आज तक बना हुआ है, और उसके बाद से तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स ऐसी ही आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, अपने हिसाब से कंप्लाई करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये है अब सबसे बड़ा डेंजर, क्या बता रहे हैं राइटर यहां पर, कि सबसे बड़ा डेंजर ये है कि जैसे जैसे केस बड़ा होता जाता है, तो पहले 3 जजों की बेंच होती, फिर 5 की, फिर 7 की, फिर 9 की, ऐसे ही 15 जजों की हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्योंकि जजों का नंबर तो 29 से भी ऊपर है, 30 के आसपास है, तो ये जो नंबर बढ़ता जाता है वो इस हिसाब से बढ़ता है कि जितना इंपॉर्टेंट या बड़ा केस होगा, या फिर कोई बड़े केस के बड़े बेंच के डिसीजन को रिवाइज करना होगा, तो और बड़े नंबर बैठते हैं जजेस के। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केशवानंद भारती केस के अंदर जो डिसाइड किया गया था 73 के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर एक डिसाइड किया गया था और उसके अंदर ये बोला गया था कि कुछ चीजें तो चेंज नहीं हो सकती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको बदला नहीं जा सकता है। कौन सी है? जैसे डेमोक्रेसी, उसको बदला नहीं जा सकता है, आप ये नहीं कर सकते, डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं रहेगा, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो चेंज नहीं हो सकता है, ऐसे ही यहाँ पर जो जो इक्वालिटी का इशू है, जो फंडामेंटल राइट्स का है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट टू लाइफ नहीं ले सकते हो, ये बेसिक फीचर हो गए ना, इनको चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में, ये केशवानंद भारती केस में फिक्स किया गया था। तो वो दिन दूर नहीं है, राइटर ये कह रहे हैं कि जब कोई 15 जज की बेंच बनेगी जो अभी तक नहीं बनी, और इस केस को ही चेंज कर देंगे, और फिर ये जो है होगा क्या, उससे बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, कल को मान लो कोई भी गवर्नमेंट आके ये बोल सकती है कि हम तो डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, हम तो इलेक्शन ही खत्म कर देंगे देश में, इलेक्शन नहीं होंगे, या फिर सबको जो इलेक्शन वोट देने का अधिकार है वो हम छीन रहे हैं, कुछ लोगों को ही मिलेगा, या फिर इस देश के अंदर प्रेजिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा और पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं रहेगा, और इलेक्शन जो है वो अलग तरीके से होंगे, और इलेक्शन ही नहीं होंगे, कुछ भी आ सकता है, फिर तो कोई भी तरह का अमेंडमेंट आ सकता है, अगर बेसिक फीचर का इशू नहीं रहेगा तो वो तो आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये राइटर ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी दूर नहीं है, डजंट लुक
टू रिमोट इन द नियर फ्यूचर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो. तो ये एक बहुत कंसर्न है बहुत बड़ा, और डेमोक्रेसी के लिए इससे ज़्यादा सेंसिटिव और एक कंसर्न बड़ा नहीं हो सकता है. इसको हमें सबको कलेक्टिवली देखना पड़ेगा. अब वही बात है कि रेसिप्रोसिटी अफेक्ट्स ह्यूमंस बट जजेस आर एड्रेस्ड एज लॉर्ड्स सो दे शुड बिहेव लाइक लॉर्ड्स. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा इस आर्टिकल में था. अगला हम बात करते हैं, सम कॉल इट डेमोक्रेसी ऑन द चार्ज शीट अगेंस्ट जेएनयू स्टूडेंट्स. अब जेएनयू स्टूडेंट्स के ऊपर जो सारा इशू आया है, जो इलेक्शन ड्यू है अभी और तीन साल के बाद में जो चार्ज शीट फाइल की गई है, अब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है. अब इसमें आप जल्दी जल्दी आप एक चीज ये देख लीजिए कि लॉर्ड मैक्यूले जब थे कॉलोनियल टाइम में, उन्होंने सेडिशन का चार्ज लेके आए थे. उस टाइम पर यह था कि कोई भी अगर असेंबली करता है, कोई मतलब भाषण देता है, कोई ऐसा चीज़ें लिख के छापता है, कोई पेपर में छापता है, कोई बुक लिखता है, जहाँ पर जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट जो है उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उनकी सच्चाई सामने लाई जा रही है. उस टाइम तो सच्चाई सामने लाई जाती थी और यही बोला हम बोलते हैं हमेशा. अब उस टाइम पर अंग्रेज गवर्नमेंट तो यही बोलती थी कि सच्चाई नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सच्चाई थी. तो वो सच्चाई कोई सामने लाता है तो उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाना पड़ेगा, वरना तो इनके दिन गिनती के ही हैं इंडिया में. तो ये चीज़ लगाई थी इन्होंने, इसलिए ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था. लेकिन इसको आगे कंटिन्यू किया गया, बहुत सारे रिकमेंडेशन ये भी आए कि क्या कोई गवर्नमेंट ऐसी हो सकती है फ्यूचर के अंदर जो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन का लॉ लगा देगी, और जो इतना कोई एक्सट्रीम केस भी नहीं है उसके अंदर भी लगा देगी. लेकिन इसको चालू रखा गया. अब ये क्या हुआ है कि जो जेएनयू का केस हुआ था, अब उसके अंदर जो है वीडियोस भी आए थे, बहुत सारे एलिगेशन ये भी आए कि डॉक्टर्ड वीडियो है या फिर कुछ और है. तो उसके अंदर जिन्होंने नारे लगाए थे वो तो आज तक पकड़े नहीं गए हैं. सबसे बड़ी चीज़ वो पकड़े नहीं गए हैं, ठीक है. अब जो नारे लगाने वाले जो लोग हैं लॉ के अकॉर्डिंग, वही सबसे बड़े कल्प्रिट होंगे जो इंडिया के इंटीग्रिटी को खतरे में डालने के लिए इंसाइट कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, तो वो नहीं पकड़े गए. लेकिन जो कन्हैया कुमार जो प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर चार्ज है, और जो और जो लोग हैं उमर खालिद वगैरह उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं. अब ये कह रहे हैं कि अगर इनको ये केस मतलब ये प्रूव हो जाता है, सेडिशन के चार्जेस फाइनलाइज हो जाते हैं, तो इनको लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, पूरी जिंदगी जेल के पीछे बितानी पड़ सकती है. तो राइटर इसके ऊपर एक बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि स्ट्रांग ऑपोजिशन इसका कर रही हैं इस आर्टिकल के अंदर. वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल ही सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि पेरिस का एक एग्जाम्पल दिया है फ्रांस का, जहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर 1968 में काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे. उन्होंने ये बोला था कि जो कैपिटलिस्ट मार्केट है और ये कंजर्वेटिव सिस्टम जो चल रहा है, इनइक्वालिटी का जो इशू है और ये जो दिक्कतें हमारी सोसाइटी के हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर, ये स्टूडेंट्स ने किया था, और वो बढ़ता ही गया था, काफ़ी ज़्यादा फैल गया था. सेक्सुअल अनफ्रीडम, रियलाइजेशन ऑफ लिबर्टी, वियतनाम वार के अंदर जो गवर्नमेंट्स का जो मूव थे, इन सब के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बिल्कुल स्ट्रीट्स पे आ गए थे. और उन्होंने ये बोला था कि 200 साल पहले 1789 के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और आज़ादी मिली थी फ्रांस को, जिन आइडियल्स के ऊपर मिली थी और पूरी दुनिया ने जैसे फ्रेटर्निटी वगैरह के जो आइडियल्स लिए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिए गए हैं फ्रेंच लोगों से, तो वो चीज़ें जो थी वो मेंटेन नहीं है अभी. और आज की गवर्नमेंट बिल्कुल ही अपने हिसाब से काम कर रही है, पॉलिटिकल जो गेन करने के लिए ही बस वो काम कर रही है. तो उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, और फिर और दूसरे जो सोपोन, दूसरी जो जगह थी सोपोन नाम की सिटी दूसरी है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया, सपोर्ट दिया था, पूरा सॉलिडारिटी दिखाई थी उसके साथ में. बहुत कुछ हुआ था उसके बाद में, पहले तो लाइटली लिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद उनके ऊपर खूब तगड़ा चला दिया सारा, अटैक किया गवर्नमेंट ने, पूरा मारा पीटा, और फिर लोगों को बिल्कुल असॉल्ट किया और बैटन से लाठी उन सबसे पीटा. लेकिन केसेस क्या लगे सेडिशन वगैरह के, वो नहीं इसमें लिखा गया कि वो किए गए थे कि नहीं किए गए थे. अब जो स्लोगन्स उन्होंने उस टाइम पर जो जिसने इंस्पायर किया था उनको, वो थे पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, कि पॉलिटिक्स वो है कि जो इम्पॉसिबल है, जो सारा एक जिसको बोल सकते हैं इगेलिटेरियन सोसाइटी, बहुत ही शानदार एक जिसको बोलते हैं राम राज्य की जो कल्पना की जाती है हमारे गांधी जी ने जो की थी, वैसा क्रिएट करना सोसाइटी के अंदर, ये एक इम्पॉसिबल ड्रीम है जो पॉलिटिक्स को अचीव करना चाहिए, और ये हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है. इसी स्लोगन के ऊपर उन्होंने सारा प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने. अब ये कह रहे हैं कि जो अटैक उसके ऊपर हुए थे वो गलत थे उस टाइम पर, और उसको आज 50 साल के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेमोरेशन की तरह याद किया जा रहा है फ्रांस के अंदर. पिछले साल किया गया था, जो मई के अंदर हुआ था, मई 2018 के अंदर इसको मनाया गया था कि ये एक फ्रीडम का एक मूव था बहुत बड़ा और बहुत नेसेसरी था, एक फ्रेश एयर देने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर, और लोगों के अंदर एनर्जी पॉजिटिव तरीके से कैसे काम करें और वो पॉजिटिव लड़ाइयाँ कैसे लड़ पाएं, और जो गवर्नमेंट्स फेयर नहीं है उनके खिलाफ कैसे खड़े हों, वो हिम्मत कैसे दें डेमोक्रेसी को,
वो उस काम के लिए उनको याद किया जा रहा है 50 साल बाद. लेकिन इंडिया में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. उस टाइम पर कुछ राइटर्स ने ये लिखा था, जैसे एक ब्रिटिश इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने ये लिखा था, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन. ये बहुत फेमस एक कोट है. ओ टाइम्स व्हेन रीजन सीम्ड द मोस्ट टू असर्ट हर राइट्स, कि जो खड़े हुए थे अपने राइट्स के लिए उस टाइम पर, एक जो लड़ाई करी थी सबने, जो एक एनर्जी फील की थी सबने उस टाइम पर, जो उसके अंदर जो भागीदार थे उस लड़ाई के अंदर, तो वो लड़ाई एक आजादी की लड़ाई थी और उसमें भाग लेना ही एक हेवन था, ये इन्होंने बोला है. और जो यूथ है, जब आप उसमें यूथ बन के उसका पार्टिसिपेशन करते हो तो उससे ब्लिसफुल चीज कोई नहीं हो सकती है. तो ये राइटर ये कह रहे हैं इससे पैरेलल करते हुए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से, कि अगर यंग लोग इस स्ट्रगल को नहीं करेंगे, इस इमेंसिपेशन को, इस लिबर्टी के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कौन खड़ा होगा? उन्हीं के अंदर ही एक स्पिरिट होती है. अब मैं बताता हूँ स्पिरिट का क्या मतलब है. आप देखिए, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, यंग जो लोग होते हैं उन्हीं के अंदर ही ये स्पिरिट कैसे होती है. उनके अंदर ना कोई कास्ट का इशू होता है, ना रिलीजन का इशू होता है. सबसे ज्यादा जो एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट जो होता है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर ही होता है, जहां पर कोई ये नहीं पूछता कि तू कौन से कास्ट का है या फिर तू कौन से धर्म से बिलोंग करता है. वहां सब लोग एक अपने यूथ फेज के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं. लड़ाइयाँ भी होती हैं, डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी सॉल्व भी होते हैं और वो गले भी लगते हैं. लेकिन कभी ये बातें नहीं उठती हैं कि ये डिवीजन नहीं क्रिएट होता कभी भी. और वो डिवीजन जो है सोसाइटीज में आ जाता है, वो दिक्कत की बात है सबसे बड़ी. अगर सोचिए उसी की तरह उसी माहौल के अंदर पूरा डेमोक्रेसी रहे, समाज रहे, तो क्या शानदार माहौल रहेगा. और एक भाईचारा जो बना रहने की कंडीशन है वो वहीं पर ही क्रिएट हो पाती है. तो वो माहौल बनना जरूरी है. इसीलिए यूथ को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है. और ये बोला जाता है कि यूथ को सबसे बड़ा, चाहे कितने भी बड़े हों दुनिया के अंदर लोग, उन सबने ही यूथ को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दी है. और उन्होंने ये बोला कि ये जो यंग ब्लड है, ये जो गर्म खून तुम्हारा है, यही आजादी लेके आता है, यही वक्त बदलता है. आजादी भी इन्होंने दिलवाई थी, इसलिए भगत सिंह को हम पूछते हैं. तो ये जो स्पिरिट होती है वो यूथ में ही होती है. अब यूथ को मैनेज करना होगा, यूथ को थोड़ा सा मतलब इस तरह से हमें देखना होगा कि वो किन कामों में इन्वॉल्व है, क्या कर रहे हैं. अगर जो जेएनयू का इंसिडेंट हुआ है 3 साल पहले जो हुआ था, उसके अंदर कोई अगर डिस्टॉर्टेड माइंड है, जो इस तरह की बातें करता, कोई नारे लगाता है, तो उसको एक तो आइसोलेट करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए. दूसरा, इस एज के अंदर बहुत लोग जो है दिमाग उनका फिर जाता है, जवानी है, सब कुछ है, तो जब तक वो कोई बड़ा हार्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जब तक कोई बड़ा कोई मूवमेंट नहीं खड़ा कर रहे हैं, जब तक कोई वो ऐसा कुछ बड़ा क्लियरली एक दिख जाता है कि हाँ ये इनका मोटिव बहुत ही डेंजरस है देश के लिए, तब तक हमें उनको इग्नोर ही करना चाहिए, ये राइटर कह रहे हैं इसके अंदर. ठीक है. सम एलिमेंट्स रिपोर्टेडली आउटसाइडर्स शाउटेड एंटी इंडिया स्लोगन्स उस इवेंट के अंदर, उन्होंने ये बोला था. लेकिन उसके साथ साथ में जब जो नारे लग रहे थे वो ये थे कि हमें इस इनइक्वालिटी से आज़ादी चाहिए, हमें इस गरीबी से, कास्टिज्म से, और जो इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं है, इन शैकल से आज़ादी चाहिए, ये वो बोल रहे थे. आज़ादी उसी के बीच में वीडियो में ये दिख रहा है कि लोग, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमें भारत से आज़ादी चाहिए, भारत के टुकड़े होंगे, ये इंसिडेंट आया था उसके अंदर. अब ये कह रहे हैं कि क्या ये इतना बड़ा वो था, ये जो इडियोटिक स्लोगन्स थे, ये किसी बेवकूफ इंसान ने जो लगाए थे. अब ये भी नहीं बताया कि लगाए थे कि नहीं लगाए थे, हम तो इसी भी बात कर रहे हैं कि लगे थे. ठीक है, वो भी एक अलग डिबेट है. अब ये जो लगाए भी थे किसी ने, तो फिर उनको क्या इतना बड़ा वो बांधना चाहिए था, क्योंकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें कोई लड़ाई दंगा नहीं हो रहा था, न कोई उसमें लाठी चार्ज हो रहा था, न कोई बम फूट रहे थे, न उसमें कोई पूरी सिटी को हॉल्ट कर लिया गया था, ट्रैफिक जाम किया गया था, न उसमें कोई गवर्नमेंट को रिजाइन करने की मांग की जा रही थी, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था, ये राइटर कह रहे हैं. फिर भी इन स्लोगन्स, सिर्फ इन स्लोगन्स के ऊपर बेस्ड, उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए गए हैं. अब बात यह है कि एक्शन होना चाहिए. अगर इस तरह के लगाए गए हैं तो मैनेजमेंट वालों को भी उसका भुगतना पड़ेगा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी. लेकिन क्या सेडिशन के चार्ज आप लगा दोगे? सेडिशन जो सबसे बड़ा एक देश के लिए अगेंस्ट एक क्राइम होता है, उसके चार्ज आप लगा दोगे, जिसके ऊपर पूरा लाइफ लॉन्ग उसको जेल के पीछे जाना पड़ सकता है, क्या उसके चार्ज हम किसी के ऊपर लगा देंगे? ये कहां से जस्टिफाई होता है? ये बोला है. अब ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो एक टीचिंग शॉप अकेली नहीं होती हैं, ये बात मेनली बताई गई. बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर इस चीज के ऊपर, कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर कैसे एक मोनोपोली थोपी जा रही है, कि मतलब एक तरह का कल्चर थोपा जा रहा है कि आप इसी तरीके से चल रही है, उनको डिक्टेट किया जा रहा है कि आप इस तरह से चल रही है. जबकि यूनिवर्सिटी का एक स्पिरिट यह होता है कि उसमें फ्रीडम होती है, पूरी दुनिया के स्कॉलर्स वहां पर आते हैं, पूरी दुनिया के लोग स्टूडेंट्स वहां पर आके मिलते हैं, और वहां पर एक पीसफुल डिबेट्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, चाहे कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो. मजबूत हमेशा वो होता है जो कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना जानता है और पीसफुल उसके ऊपर डिस्कस करेगा. जो चीज़ सही होगी, मजबूत होगी, वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी. सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट इसलिए हमारे जो हमारी फिलोसफी के अंदर रखा गया है.
तो वो अपने आप ही सत्य ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम कोई बात को उठते ही मतलब उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक करेंगे, इसका मतलब हम कोई चीज से डरे हुए हैं, ये चीज साफ है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जो स्पिरिट है ये बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, इसी से इनोवेटिव आइडियाज और प्रोडक्टिव आइडियाज यहीं से निकल के आते हैं। रिसर्चेज भी चाहे हो, चाहे वो सोशल रिसर्च हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, वहां पर ये जो फ्री डिबेट होती है, ये जो फ्री एक माहौल जो होता है जिसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता, फियर नहीं होता, तभी प्रोडक्टिव आइडियाज निकल के आते हैं और सबकी कुंठाएं बाहर आती हैं। कोई अगर कोई सेक्शन अगर सोसाइटी का है, कोई स्टूडेंट्स का सेक्शन है जिसके अंदर कुछ ऐसे गलत फहमियां हैं या फिर कुछ उनके अंदर दिक्कतें हैं, कोई उनको ऑब्जेक्शन है, वो भी सामने निकल के आते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर सिर्फ टीचिंग शॉप्स की तरह उनको देखा जाएगा और फिर उनको डिक्टेट किया जाएगा कि आप ऐसे चलो, इसी तरह से रहो, इसी तरह की बातें करो, इसी के ऊपर डिस्कस करो और इन बातों के ऊपर बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात की जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। अब आप देखिए कि एंटी इंडिया स्लोगन की जहां तक बात है, अब देश को नुकसान तो बहुत लोग पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान तो विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग भी पहुंचा रहे हैं, वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो क्लियर एक एंटी इंडिया इशू है जिसके अंदर पता नहीं कितने गरीब लोग जो हैं उनके लोन माफ नहीं होते और उनके लोन माफ हो जाते हैं तो वो कितनी सुसाइड्स होती हैं, तो उसके अंदर तो डायरेक्ट किलिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर तो बहुत लोग इनडायरेक्टली देश को नुकसान पहुंचाते हैं, जो क्राइम करते हैं, जो बिल्कुल मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल ही एंटी इंडिया बात होती है। अब वो तो एक समझने की बात है कि एंटी इंडिया होता क्या है, कोई स्लोगन लगा रहा है वो भी एंटी इंडिया हो सकता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा किस तरह से लगाया, क्या लगाया गया। अभी तो यही ऑब्जेक्शन है कि लगे थे कि नहीं लगे थे, और एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के थ्रू ये चीज पुश की जा रही है बार बार मीडिया में इन सब में कि ये चीज इस तरह से हुई थी और इस तरीके से निकल के जो है देश को खतरा खड़ा हो गया है। अब देश को खतरा तो बहुत तरीके से खड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े अटैक्स भी होते हैं और उन सबको भी हम मैनेज करने में जो है सक्षम है। हम तो ये तक बोलते हैं कि चाइना को हम डिफीट दे देंगे, पाकिस्तान को एक दिन हम खत्म कर सकते हैं, जब हम इतने मजबूत देश हैं, ये सब मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर हमें क्या इतनी छोटी छोटी चीजों से इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि हम उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दें। चीजें गलत है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, लेकिन सेडिशन का चार्ज बहुत बड़ा होता है, ये इशू है। अब विवेकानंद की स्टैचू वहां पर लगी हुई है, वो ये दिखाती है कि यूथ की स्पिरिट वहां पर बनी रहे। ठीक है, अंग्रेज जब यहां पर अंग्रेज थे उस टाइम पर भी हमने बहुत कुछ ऐसा किया था जिसको उन्होंने सेडिशन के कैटेगरी में लगाया था, लेकिन कोई किसी ने उस टाइम पर यह इमेजिन नहीं किया था कि कोई इंडियन जो लोग खुद यहां पर हैं और वो कहीं पर भागकर नहीं गए, जिनके ऊपर चार्जेस हैं वो यहीं पर हैं, वो सारे लोग वो पब्लिक डोमेन में ही हैं, वो डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन उनसे डिस्कस करने की बजाय आप सीधा उन पर सेडिशन के चार्ज लगा रहे हो, ये एक दिक्कत की बात है। तो ये स्पिरिट को दबाने का इशू है, ये राइटर कह रहे हैं। अब यहां पर ही यूनिवर्सिटी के माहौल में ही सिटीजनशिप के इशू के ऊपर उनको अवेकनिंग आती है, उसको समझ पाते हैं, और सोलिडरिटी का वर्च्यू भी वो यहीं पर समझ पाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का माहौल ही होता है जो उनको इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज में कन्वर्ट करता है, और जो देशों को चला रहे हैं आज, इंडिया को भी चलाने वाले जो लोग हैं वो यूनिवर्सिटी से ही निकल के आए हैं, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसका मतलब तो हम वो जो तरीका है, जो एक माहौल होता है उसको चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद ये मानते हैं कि जो वहां से निकल के आते हैं वो सब लोग ही गलत होते हैं क्योंकि वो उस माहौल में निकल के आए। जैसे कि बात जेएनयू के लिए ये भी की गई थी कि जेएनयू एक ऐसा अड्डा जहां पर आतंकवादी पैदा होते हैं। अब ऐसे तो आज मिनिस्टर्स बने हुए हैं कुछ लोग, तो एग्जाम्पल के लिए निर्मला सीतारमन का एग्जाम्पल लें तो वो तो जेएनयू से ही पढ़ के आई हुई है, तो वो आतंकवादी थोड़ी है। तो ये एक सीधा सा लॉजिक है कि अगर हम डिबेट करेंगे, इस इश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे पीसफुली, तो बहुत सारी सच्चाइयां निकल के आएंगी जो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दबी हुई हैं। और इसलिए इसमें इश्यू क्या है, जब देश की बात आ गई, देश को खतरा करने की बात आ गई, देश के खिलाफ एंटी नेशनल स्लोगन की बात आ गई, तो फिर सबका इमोशन ऊपर आ जाता है और लॉजिक पीछे चला जाता है। लोग सोचते हैं कि बस देश खतरे में आ गया और हम देश का नाम कैसे ले दिया, हम बताते हैं उसको, हम खत्म कर देंगे, सीधा लोग एकदम बाहें तान लेते हैं, उसके बाद दिमाग चलाना छोड़ देते हैं कि हुआ भी था कि नहीं हुआ था, या फिर हुआ था किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था, और इसका किस तरह से एक्शन लेना चाहिए, वो लॉजिक के थ्रू आएगा और वो लॉजिक पीछे चला जाता है, इमोशन ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो तरीका चल रहा है कि इमोशन को बढ़ाने का, कुछ टाइम से सिर्फ इमोशन को प्रोवोक करने का तरीका, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो देश के नाम पे हो, चाहे वो सेना के नाम पे हो, रिलीजन जो आपके इमोशन जो है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कोई वॉर छिड़ी हुई है, जैसे युद्ध के टाइम पे होता है तब इमोशन काम आते हैं कि आप इमोशन, सामने गोली पड़ेगी आपको पता है दुश्मन से, लेकिन आप में इमोशन है इसलिए आप उसको लड़ने चले जाते हो देश के लिए, वो इमोशन है। लेकिन यहां पर अननेसेसरी पॉलिटिकल गेन्स के लिए इमोशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हर बात में इमोशन क्रिएट किया जा रहा है, हर बात में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी इशू के अंदर लिया जाए और उनका ऐसी जेन्युइन चीजों का यूज किया जा रहा है उसके अंदर, चाहे वो कोई भी इशू हो जिसके अंदर आपको ये बोलेगा कि आप भारत माता की जय बोलो तो उसके अंदर हर कोई एक पैट्रियटिज्म का फीलिंग आता है कि हाँ भारत माता की बात है, लेकिन आप हर बात में ये बोलोगे भारत माता की जय, उसको इतना कॉमन कर दो, एक इतनी बड़ी और एक इतनी शानदार एक पवित्र चीज को और इतना एक बूस्टिंग फैक्टर को हम एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बना देंगे, तो उसका एक इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं हम खुद ही उसको वो कम कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होता है,
लेकिन किसी के ऊपर थोपना उस चीज के लिए ही नेगेटिव फीलिंग को क्रिएट कर देता है, ये एक इशू चल रहा है। तो ये डिबेट बहुत सारी, इसके में बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो ये जो मिसयूज जो है इमोशंस का, ये सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। अब इस केस से ये चीज रिलेटेबल सारे के सारे इश्यूज हैं। हालांकि मुझे अब पता है कि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बहुत सारे लोगों को इसका ये लगेगा कि ये तो कोई पर्टिकुलर पार्टी के बारे में ये बात कर रहा है या फिर इस तरह से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप पीसफुल इस चीज को समझोगे कि एक वर्ड को जो मैं बात बोल रहा हूं, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैंने कोई इमोशन यहां पर प्रोवोक नहीं किए हैं। और जो बातें राइटर कह रहे हैं, जो बहुत सारे स्कॉलर्स कह रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कहते हैं। हालांकि हो सकता है कि बहुत लोग गलत भी कह रहे हो, लेकिन वो लॉजिक दे रहे हैं तो आप उसको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। कोर्ट में लॉजिक ही पेश होते हैं, दोनों पार्टी साइड में खड़ी होती है, उनकी बात सुनी जाती है, चाहे वो कोई विक्टिम हो चाहे वो कोई अक्यूज्ड हो, दोनों की बात सुनी जाती है और उसके बाद जज डिसाइड करता है। तो ये आप जज हैं, आपको डिसाइड करना है, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट दोनों तरह के सुनने चाहिए। एक ही तरह का आर्ग्यूमेंट सुनना वो, और वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट है, वो दिक्कत खड़ा कर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो यही सब कुछ इस आर्टिकल में लिखा गया है। और जो पीपल पावर में है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंपॉर्टेंस इन सारे डिबेट्स का और इन सारे इश्यूज का, यही इस आर्टिकल का सारा सार है। ओके, और ये जो इंपल्स जो है, जो जिसको पैरेलल बताया गया जो फ्रांस वाली उस इश्यू से, तो उससे हमें यह समझना चाहिए कि अब कॉल आना चाहिए जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, पैट्रियार्की, इन सब से हम भी छुटकारा पाएं। इससे आज़ादी सबको चाहिए, देश से आज़ादी किसी को नहीं चाहिए। अगर किसी को चाहिए तो वो डिस्टॉर्टेड माइंड है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाओ तो भी बनता है। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं है उनके ऊपर भी लगाया जा रहा है, ये एक इशू है। क्योंकि उसमें हो सकता है कि किसी इनोसेंट की लाइफ बर्बाद हो जाए, वो पूरा जेल के पीछे पूरी जिंदगी जाना पड़ेगा। और इमोशंस इतने हाई हैं क्योंकि ये इशू इतना बड़ा है, एंटी इंडिया की बात है, तो फिर कोई सुनेगा भी नहीं, कोई उसमें लॉजिक अप्लाई करेगा भी नहीं, कोई कोशिश भी नहीं करेगा आर्गुमेंट सुनने की। ये सबसे बड़ा इशू है। अगला जो है न्यूज जो आ जाई है इंपॉर्टेंट, एक तो यूरेनियम का हमारा एग्रीमेंट किया है हमने उज्बेकिस्तान के साथ में। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है मिर्जियोयेव, ये अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है इसके अंदर गेस्ट बने हैं। और सितंबर के अंदर एक इंडिया सेंट्रल एशिया का एक डायलॉग हुआ था, वो समरकंद में हुआ था। समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर ही सिटी है, कैपिटल उसकी ताशकंद है और समरकंद सिटी है, वहां पर ये हुआ। तो उसके लिए भी थैंक यू बोला था मोदी जी ने, कल मैंने पीआईबी के अंदर भी ये डिस्कस किया था। तो इनके साथ हमने यूरेनियम का एक पैक्ट किया है। नेक्स्ट है राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, और ये बहुत ही स्पेसिफिक बर्ड है, वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड ये होता है और बहुत ही यूनिक एक बर्ड होता है। लेकिन अभी सिर्फ 50 बचे हैं ये, और इसके लिए 2 साल पहले गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बनाए गए हैं। और अभी पूरी दुनिया में इसकी जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही ये मिलता है, बाकी थोड़ा बहुत ईरान वगैरह उन सब में देखा गया है, लेकिन इसका नंबर 95% इंडिया में ही है। और 95% का मतलब है कि 50 ही बचे इंडिया में, इसका मतलब मुश्किल से जो है 55 के आसपास इसमें टोटल जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में बची हुई है। तो बहुत ही डेंजरस ये चीज़ है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। एक हमारा बहुत शानदार अचीवमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने सीरीज जीती है, तीनों फॉर्मेट में हमने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया के होम वहाँ ग्राउंड के ऊपर, टेस्ट में, वनडे में और T20 में, तीनों ही फॉर्मेट में हमने वहाँ पर पहले देश ऐसे बन गए जिन्होंने वहाँ पर जीत हासिल किया ऑस्ट्रेलिया के खुद की जमीन के ऊपर। तो ये सारा है और ये MCQs है, इनको ट्राई करना आप। थोड़ा सा लेसन लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। पाकिस्तान वाला कल कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आज 4 आर्टिकल दोबारा से आ गए थे, कल कोई आर्टिकल नहीं होगा, कल संडे है। तो जो भी कुछ बचा हुआ है वीक का वो हम कल डिसाइड कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये मैप है, इसमें आप ये सारी चीज़ें ढूंढना, सारे कॉन्ट्रोवर्शियल एरियाज हैं जिनके ऊपर बहुत बातें होती हैं, कुछ एक सिटी का नाम भी है, वो सब आप ढूंढना। और ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। सो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी। लेसन आपको कैसा लगा, आप इसको एक एनालिटिकल तरीके से ही देखना, और अगर कहीं आपको ये लगता है कि मैंने ओवरटोन कर दिया है कोई चीज़, तो वो चीज़ आप, आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये यहाँ पर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।